राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हिंदू धर्म से संबंधित सभी जानकारी आपको समय से पूर्व ही मिल जाती है, जिससे आप कोई भी व्रत त्यौहार मिस ना करें और सभी को अच्छे से मना सकें। आज के इस वीडियो में आपको वैशाख पूर्णिमा के बारे में बताने वाला हूँ। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि बहुत जल्दी ही आने वाली है। वैशाख मास की पूर्णिमा का भी उतना ही महत्व है जितना कि वैशाख मास की पूर्णिमा का भी उतना ही महत्व है जितना कि साल में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान बुद्ध के अलावा श्री हरि कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें वैशाख पूर्णिमा का महत्व बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सुदामा जी की दरिद्रता दूर हो गई थी। इसके बाद में से वैशाख पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ गया था। वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत, उपवास, दान बहुत ही विशेष होता है। पूर्णिमा की तिथि पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी एक पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी एक शुभ अवसर माना जाता है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के निमित्त उपवास इत्यादि भी किए जाते हैं। पूर्णिमा का यह पावन तिथि हिंदू धर्म के विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को धन और संतान दायक माना जाता है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान से वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उनकी सभी कामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई वैशाख पूर्णिमा का व्रत को कथा को साथ पूरे नियम के साथ पूरा करता है, उसके ऊपर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता है हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय और ना हो और ना ही निसंतानता होने का दुख हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि आपको एक ऐसी व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ जो सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास राज्य करते थे। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आते हैं जो सभी घरों में भिक्षा मांग कर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करते थे, लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा मांगते हैं, परंतु आप हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं मांगते। तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा लेना नहीं ले सकता, तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है। वह साधु से पूछता है कि इससे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हम भी संतान का सुख प्राप्त कर सकें। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा का की सलाह दी, जिसे बाद धनेश्वर उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने माता की पूजा बहुत ही मन से की और उन्हें एक तभी सुशीला गर्भवती हुई और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब हुई तो ये एक वैशाख मास की जो पूर्णमासी है, इसका मैंने आपको महत्व सुनाया किस
कथा इस पूर्णमासी का महत्व कितना है। इस व्रत को करने से संतान और सुहाग दोनों की ही रक्षा होती है। तो जो वैशाख मास की पूर्णमासी है वो है किस दिन साल 2024 में? देखिए, वैशाख पूर्णमासी जो है, वैशाख मास की जो पूर्णिमा है वो 23 मई को मनाई जाएगी, 23 मई को है। और ये आरंभ हो रही है 6:49 रात से और ये रहेगी 7:24 रात तक। इसीलिए जो वैशाख मास की पूर्णिमा है वो 23 मई को मनाई जाएगी। 23 मई को जो लोग व्रत करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, वो सभी लोग करेंगे। माता लक्ष्मी के निमित्त पूर्णमासी के दिन काफ़ी सारे उपाय किए जाते हैं, तो वो सारे भी आप 23 मई को ही करेंगे। अपने अपने घरों में खीर का प्रसाद बनाकर माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण को अवश्य लगाएं, इससे माता लक्ष्मी और कृष्ण जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।